झारखंड के धनबाद में मंगलवार रात को दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें एक ही परिवार के 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक तरफ जहां दुल्हन की डोली उठी तो वहीं दूसरी ओर घर में मातम पसर गया। यह आग एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी और ऐसा गम दे गई जिसकी भरपाई शायद ही जिंदगी कभी कर पाएगी। शादी समारोह देखते ही देखते मातम में बदल गया। चारों तरफ मातम, बिलखता परिवार, पिता के आंखों में आंसू। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। इसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें दुल्हन की मां, दादा दादी समेत अन्य रिश्तेदार शामिल थे। इसी हादसे में स्वाति के चाचा राजगीर, जिनकी दो पत्नियां थीं, उन दोनों की भी मौत हो गई। ये मंजर इतना भयानक था कि हर कोई दहल गया। स्वाति के चाचा राजगीर इस सदमे को सह नहीं पा रहे हैं। वहीं इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरे राज्य भर की बिल्डिंगों का फायर ऑडिट हो। इस मामले में अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है। अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 17 फरवरी तय की है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है जो आग लगने की वजह और इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की जांच करेगी। इस हादसे में जिन लोगों की भी जाने गई वे सब एक ही परिवार के थे। आसपास के लोगों की चीख पुकार की आवाज सुनकर घटना की जब जानकारी मिली फिर तो कोहराम ही मच गया। लोग दहल गए। स्वाति के परिवार पर तो मानो कुदरत का कहर ही बरसा है।